तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि सोप बबल फिल्ड विद हीलियम फ्लोट्स इन एयर तो यहां पे बेटा हम एक सोप so बबल बना लेते हैं और इस सोप so बबल के अंदर इस तरीके से हम हीलियम फिल कर देते हैं इसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है और लिखा हुआ है कि ये एफएलओटी फ्लोट कर रही है यानी फ्लोटेशन में आर्कमिडीज प्रिंसिपल लग जाता है व्हिच हैज ग्रेटर मास द वॉल ऑफ द बबल और गैस इंक्लोस्ड तो ये जो बबल की वॉल है और इसके अंदर ये जो गैस भरी है किसका मास ग्रेटर है ये बताना है अच्छा आप जानते हैं कि वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होता है तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर और फ्लूड डिस्प्लेस्ड होता है तो यहां पर फ्लूड की जगह एयर है एयर डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड अच्छा फ्लोटिंग बॉडी में यह आपका बबल है तो इसमें आपका वेट या हम लिख लेते हैं मास तो वेट ऑफ soap bubble plus weight of helium gas is equal to weight of air displaced ab bete aisa hai ki weight hota hai mg iska hum le lete hain m dash g और इसका वे ले लेते हैं m डबल डैश g तो g जो है कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी प्लस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डबल डैश भाई जितना ये बबल का वॉल्यूम है गैस पूरे में फैली होगी तो उसका भी वही वॉल्यूम होगा और जितनी जगह पर बबल है उसने उतनी जगह की एयर को हटाया होगा तो उसका भी वॉल्यूम वही होगा यानी वॉल्यूम तीनों जगह पर सेम है ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा अब डेंसिटी ऑफ ये सोप जिस चीज से बना है सोप जनरली वाटर से बना होता है उसके अंदर डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं उसका बना होता है हीलियम गैस हीलियम लाइटेस्ट एलिमेंट है और यहाँ पर एयर डिस्प्लेस तो मैं हालांकि आपको बता दे रहा हूँ कि डेंसिटी ऑफ एयर की जो वैल्यू होती है वो 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और डेंसिटी ऑफ वैल्यू होती है वो पॉइंट होती है हालांकि अगर ये ना भी आपको पता हो ये ना भी पता हो आपको तो मैं आपको एक बात बता दू आर so यानी कि बच्चों ये दोनों ऐड होके एयर के बराबर जाएंगे आप खुद सोचिए कि इसकी डेंसिटी हीलियम से तो ज्यादा ही होती है और ये ज्यादा है यह कम है है ना अब इन्होंने पूछा है कि विच हैज ग्रेटर मास वॉल ऑफ बबल या गैस विद इट? तो आप देखिए डेंसिटी किसकी ज्यादा है सोप की ज्यादा है ठीक है तो जाहिर सी बात है कि मास जो कि वॉल्यूमेटरी डेंसिटी होता है वो किसका ज्यादा होगा सोप बबल का ज्यादा होगा इसीलिए हम कह सकते हैं कि मास ऑफ वॉल ऑफ बबल इज ग्रेटर दैन हीलियर आई होप ये आपको समझ में आया होगा डेंसिटी आपको पता हो तो भी क्लियर है नहीं पता हो तो भी क्लियर हो जा रहा है वॉटर और डिटर्जेंट के कॉन्सेप्ट से तो ये क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों थैंक यू